दिल्ली के चोर बाजार में आपका स्वागत है। इस चोर बाजार में आपको जॉर्डन तो ऐसे जमीन में पड़े हुए मिलेंगे और दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो इस चोर बाजार में आपको ना मिले। ये जो आप भाई के हाथ में लेंस देख रहे हो वो 200 रुपए का है। अब ये कैमरा देखिए, भैया 1000 रुपए का बोल रहे हैं पर 500 रुपए में मान गए थे। अब लैपटॉप तो मुझे लेना ही था तो मैं देखने आ गया लैपटॉप यहाँ पे, बट यहाँ लैपटॉप के साथ बहुत धोखा होता है, ये मैं आपको एंड में दिखाऊंगा। मुझे चोर बाजार से लेना है मैकबुक तो मैं उसी की तलाश में इधर उधर घूमता रहा, लेकिन यहाँ पे लैपटॉप वगैरह से ज्यादा डिमांड लेंस की है। अब इतनी भीड़ लगी है तो पक्का DSLR बिक रहा होगा। इस भीड़ का हिस्सा बनके मैंने देखा 1200 रुपए में DSLR बिक रहे हैं, और ध्यान से देखोगे तो ड्रोन भी है। सैमसंग का मिनी टैबलेट यहाँ पे मिल रहा था 700 रुपए में। मैं तो कहूंगा 700 रुपए में तो अच्छी डील है क्योंकि एकदम वर्किंग था, और 700 तो भैया का रेट था, हमने तो 500 रुपए में मना लिया था भैया को। अब देखो ये वाला लैपटॉप था 2000 रुपए का और ये वाला 3000 का। यहाँ पे भैया ड्रोन उड़ा रहे थे वो भी बिना कैमरे का। वैसे तो ये ड्रोन टॉय वाला है लेकिन ये 800 रुपए में काफी सही है। फिर क्या, मुझे ये इतना पसंद आया कि मैंने इसे ले लिया। यहाँ पे मॉन्स्टर ट्रक भी मिल रहे थे वो भी रिमोट वाले। अगर आप किसी बच्चे को गिफ्ट देना चाहते हो तो काफी सही है। ये रिमोट कंट्रोल कार भी मुझे काफी पसंद आई और इसका प्राइस भी काफी रीजनेबल है, 600 रुपए। अब रियल वाली जी वैगन तो मैं अगले जन्म में खरीदूंगा लेकिन इस बार ये वाली खरीद लेता हूँ। तो अगर आपको भी किसी बच्चे को गिफ्ट देना है तो ये जरूर दे देना। तो अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको असली चीज। ये वाला आईपैड लिटरली 1000 रुपए में लेके आया हूँ मैं, और इसको लेने के बाद मेरे साथ क्या हुआ वो मैं एंड में दिखाऊंगा। अब इस कबाड़े के बीच तो मुझे मेरे काम की चीज दिख गई, उसका नाम है फोन स्टैंड। ये वाला शूज देखो 150 रुपए में, पर ये पहना हुआ है किसी का। गोरिल्ला गिम्बल तो यहाँ 30-30 रुपए में मिल रहे हैं। अब मेरी चील की निगाह ने एक चीज पकड़ी, पता नहीं क्या है। अगर आपको भी दिल्ली के चोर बाजार आना है तो ये रहा जामा मस्जिद और ये रहा चोर बाजार। ये वाला GoPro देखो, ये थोड़ा फेक है, मैंने ओरिजिनल लिया है। ये वाला था 800 रुपए का, जो मैंने लिया है वो 1200 रुपए का, और उसको मैं आपको एंड में दिखाऊंगा। अब देखो थोड़ा और आसानी से बताता हूँ, ये रहा जामा मस्जिद और ये है पूरी मार्केट। अब ये है मेरा वो GoPro जो मैंने 1200 रुपए में लिया है। जब मैं ले रहा था तो भैया ने वीडियो बनाने से मना कर दिया था, तो फिर क्या मुझे अच्छी डील लगी तो मैंने ले लिया। इसको मैं घर जाके अनबॉक्स करता हूँ, यहाँ पे तो लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं बेच रहा हूँ। आपको घर जाके दिखाते हैं कि हमने आज क्या क्या लिया। एक तो ये लिया है, बाकी दो चीजें घर पे दिखाएंगे, सरप्राइज। तो ये तीनों चीज लाया हूँ मैं चोर बाजार से। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा GoPro, ये देखिए एकदम वर्किंग है। ये मुझे पड़ा है सिर्फ 1200 रुपए में, ये देखिए आप अच्छे से देख सकते हैं एकदम वर्किंग है। देखिए, और ये सिर्फ GoPro नहीं, मुझे पूरा सेट मिला है। ये इसका रिमोट है, ये इसका रिमोट है, इससे मैं इसको ऑन कर सकता हूं अगर मैं राइडिंग कर रहा हूं तो, अगर इसको ऑन करता हूं। और ये सारे इसके सेट्स हैं, इसका चार्जर का वायर, और ये चीज है हेलमेट में लगाने के लिए सेट करने के लिए। अब आ रही है इसकी वीडियो मैं बना नहीं पाया क्योंकि शॉप वाले दुकान वाले भैया बोल रहे थे कि इसकी वीडियो मत बनाओ, तो मैंने डायरेक्ट इसको कितने रुपए में परचेज किया हुआ था आप बताइए। इसको सिर्फ मैंने परचेज किया है 4000 रुपए में और एकदम वर्किंग है। और ये पता नहीं कौन सा है, कौन से जमाने का, ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इसको अभी तक मैं चार्ज तो किया नहीं है। चार्ज कर रहा हूँ मैं इसे तो चार्ज हो रहा है पर ये ऑन नहीं हो रहा है। इसको सिर्फ मैंने लिया 1000 रुपए में, तो इसको मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा कि ये चार्ज होके चलता है कि नहीं। और सिर्फ मैकबुक नहीं, मुझे भैया ने ये इसका अडेप्टर भी दिया है। अब मैं आपको थोड़े सिनेमैटिक व्यू दिखाता हूँ इसके। ये वाला मैकबुक प्रो तो मुझे 4000 में मिल गया और ये वाला ओरिजिनल GoPro मुझे पड़ा 1000 रुपए में। और अगर आपको भी ये सब चाहिए तो आपको जल्दी जाना पड़ेगा सुबह 5 बजे, क्योंकि जितने सुबह जाओगे उतना पुलिस का खतरा कम होता है। ये देखिए, कौन कहेगा ये सिर्फ 1000 रुपए में लिया है मैंने। लेकिन आप उदास मत हो, आप पूरी वीडियो देखिए, लास्ट में मैं इसका करूंगा गिव अवे। तो अभी मैं इसे चार्ज करके देखता हूं कि ये ऑन है कि नहीं। यहां पे लाइट तो आ रही है, चलो देखते हैं। ऑन हो गया गाइस। तो जैसे कि देखते हैं ये ओरिजिनल मैकबुक है और ये ऑन भी हो गया है। 1000 रुपए में तो सही डील है ये। क्या अबे स्टार्टिंग विंडोज, अबे ये क्या है मैकबुक में भाई, मैकबुक है और ये क्या विंडोज दिखा रहा है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं चोर बाजार में हर चीज असली नहीं मिलती है,
ये एप्पल का है और ये विंडोज क्यों ओपन हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या झोल है मुझे समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। ये 1000 रुपये में तो वैसे ठीक है लेकिन ये विंड तो आपको देखो कुछ अच्छी चीज भी मिलती है कुछ बुरी चीज भी मिलती है, वो सब आपके ऊपर है। तो अब मैं करने वाला हूँ एक इनमें से एक चीज का गिव अवे। मैं सोच रहा हूँ GoPro का कर दूं लेकिन आपको मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। ये है कस्तूरी हेयर ऑयल, इसको लगाने से हो जाते हैं बाल ग्रोथ और एकदम अच्छे घने हो जाते हैं बाल इससे, और इसको लगाने से हेयर फॉल तो बिल्कुल नहीं होता, ये एकदम नेचुरल है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये किस किस चीजों से बना हुआ है। तो आपको इस नंबर पे कॉल करना है और इसको बाय करना है और मुझे स्क्रीनशॉट देना है कि मैंने बाय किया है, और आप में से एक जने को मिलेगा ये और एक जने को मिलेगा मैकबुक विंडो वाला ओरिजिनल, नहीं ओरिजिनल तो मैं रखूंगा। तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजें और ये जरूर बाय करें, और आपको इसी नंबर से बाय करना है किसी अदर साइट से नहीं। थैंक यू।